सनातन धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व छठ मनाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में महापर्व के रूप में छठ को मनाया जाता है। इस त्यौहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। राजधानी का सबसे बड़ा आयोजन महादेव घाट पर होता है। घाट में लगभग 1 किलोमीटर दूर तक पूजन बिंदियों बनाई जाती है, अर्घ देने की व्यवस्था की जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने छठ पूजा को लेकर क्या कुछ बताया है, किस प्रकार की पूजा अर्चना होती है, किस प्रकार की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसके बारे में आगे और क्या कुछ कहा ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छठ पूजा प्रमुख रूप से यह भगवान सूर्य देव की पूजा है, जिनको हमारे भारत देश के बिहार राज्य में बहुतायत बृहद संख्या में इसको मनाई जाती है। चूँकि बिहार क्षेत्र के रहवासी अब पूरे भारत देश में सब जगह अपने जीविकोपार्जन हेतु जा कर के रहने लगे हैं, तो यह भारत देश में सभी जगह यह मनाई जाती है। यह छठ पूजा का व्रत जो है माताएं अपने संतान के दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना को लेकर के रखती हैं। यह 4 दिन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए करके जो पर्व है वह आरंभ होता है, और उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना करके, जिसमें भगवान को भोग लगा करके मीठा भात या लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। व्रत के तीसरे दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जो कि विशेष रूप से यह बड़ी व्रत कहलाती है। इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दे करके डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। यह वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो भोग जो है बांस की टोकरी में लेकर के, जिसको ठेकुआ बोलते हैं, फल इत्यादि मिठाई इत्यादि से भर करके सजाया जाता है, और अपने परिवार के सहित में मिल करके सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। उसके दूसरे दिन अर्थात इस पर्व के चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके, इस तरह से लगभग 4 दिन की व्रत जो है उत्सव के रूप में यह पर्व को मनाया जाता है।